आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी संजय राय, मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और चार अन्य के बयानों की सत्यता के लिए शनिवार यानी आज पॉलीग्राफी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीबीआई का उद्देश्य इन कर्मचारियों के बयानों को सत्यापित करना है, क्योंकि अन्य मेडिकल रिपोर्ट जैसे कि पीड़िता के शरीर से लिए गए डीएनए, वजाइनल स्वैब उन्हें स्पष्ट रूप से घटना में जोड़ने में विफल रहे। लेकिन सीबीआई अब ये जानना चाहती है कि किन चारों ने किस तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की या फिर नहीं। लेकिन जानना ये जरूरी है कि आखिर पॉलीग्राफी टेस्ट होता क्या है। दरअसल कई बार आरोपी से सच उगलवाने के लिए पुलिस पॉलीग्राफी टेस्ट करवाती है, जिसमें लाइव डिटेक्टर मशीन के जरिए आरोपी के जवाब के दौरान शरीर में होने वाले बदलाव के जरिए पता लगाया जाता है कि आरोपी सवाल का ठीक जवाब दे रहा है या फिर नहीं। शरीर पर कनेक्ट की जाने वाली यूनिट्स में न्यूमोग्राफ, कार्डियोवास्कुलर रिकॉर्डर और गैल्वेनोमीटर होता है और साथ ही पल्स कफ हाथ पर बांधे जाते हैं। दरअसल झूठ बोलने पर इसमें असामान्य बदलाव होता है, जिससे सच का पता लगाया जा सके और साथ ही गैल्वेनोमीटर के जरिए व्यक्ति की स्किन की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को इफेक्ट भी करता है। सवाल साफ है, पॉलीग्राफी टेस्ट हर बार ठीक हो ये जरूरी नहीं, लेकिन काफी हद तक ये आरोपी के उन हावभावों के जरिए उसके झूठ और सच के बीच में जो पर्दा है उसे हटाने का काम करता है। यानी कि अब पॉलीग्राफी टेस्ट बताएगा 8 और 9 अगस्त की रात को आखिर हुआ क्या था अभया के साथ।